સુરતમાં જાહેર શૌચાલયમાં રસોઈ બનતી હોવાનો વિડિયો વાયરલ થયો છે. બિલકુલ તમે સાચું સાંભળ્યું, કર્મચારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરે પાલિકાના શૌચાલયને રસોડું બનાવી દીધું છે. સુરતના પાર્લે પોઈન્ટના શૌચાલયનો વિડિયો વાયરલ થયો છે. દિવસે આ શૌચાલયનો લોકો ઉપયોગ કરે છે અને રાત્રિના સમયે રસોઈ બનાવવાની તૈયારીનો વિડિયો વાયરલ થયો છે. અન્ય શૌચાલયોમાં પણ રસોઈ બનતી હોવાનો કર્મચારીઓનો દાવો છે. सूरत महानगरपालिका द्वारा लोकोनी सवलत माटे अहीं जाहेर शौचालय अहीं बनावामां आव्युं छे. आ शौचालय पाछळ करोड़ो रुपयानो खर्च सूरत महानगरपालिका द्वारा करवामां आव्यो छे. जो के अहीं एक विचित्र घटना बनवा पामी छे. खास करीने जे जाहेर शौचालय छे ते जाहेर शौचालयनी अंदर जे विकलांग जे रूम छे ते रूमनी अंदर अहीं खास करीने रसोडुं ऊभुं करी देवामां आव्युं हतुं. जे क्या यहाँ पे रसोड़ा आपने खड़ा किया? नहीं सर. हाँ, वीडियो है मेरे पास. वीडियो है तो क्या था कि मैं पहला दिन गांव से आया था. ठीक, संडे दिन था तो यहाँ पे होटल वाले सब अगल बगल के होटल बंद था और मेरे पास गरीब उतना पैसा कहाँ था बड़े होटल में खाने के लिए. तो मैं बोला जो यहाँ पे जो केयरटेकर था पहले, मैं बोला कि अब तो मैं भूखे ट्रेन से आया उतर के, खाना उना है नहीं तो क्या करे. तो मैं गया, मैंने थोड़ा सा ही खाना उना लेके आया. बोला कहाँ बनाए खाना, यहाँ बनाने की व्यवस्था है नहीं. तो बोले कि ठीक है इसी में, यहीं पे इधर में बना लो चाहे इधर में बना लो खाना. बोला ठीक है, आज भर खाने में होटल में ही खा जाते, खाते हैं हम लोग. तो जाहिर शौचालय में ये कितना योग्य है अंदर खाना बना रहे हो आप? हैं, शौचालय के अंदर खाना बनाना कितना योग्य है? नहीं, योग्य नहीं है, मेरे को मालूम है. चाहे यहाँ पे कभी कभी इतना है ना, कैमरा 24 घंटे यहाँ चालू रहता है, पता लगा सकते हैं कैमरे से आप, ये कैमरे से कि हाँ यहाँ पे कितना दिन खाना बना के खाया है, चाहे यहाँ पे कितने दिन सोया आदमी. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है. जब भूखा आदमी रहेगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना हमको. अगल बगल में कुछ ड्रग्स भी मिलता है ना शौचालय में? यहाँ नहीं मिलता, नहीं है. जैसे वहाँ पे लड़के लोग लेते हैं वहाँ पे बाथरूम में, बाकी आप जाइएगा वहाँ अगल बगल में जाके अगर, हाँ तो वो मैं नहीं बताऊँगा. वहाँ पे जाके अपना खुद जाइएगा तो पता चल जाएगा. वहाँ पे ड्रग्स लेते हैं, बैठ के दारू पीते हैं, सभी काम वहाँ पे होते हैं. जब जाएंगे आप प्रेम नगर जाइएगा बस. और ये खाना आप बाहर भी बना सकते थे, अंदर क्यों बनाया? सर बाहर बनाएंगे कैसे सर, पब्लिक है पूरा है, इधर उधर तो अच्छा नहीं लगता है. हाँ ये मालूम है, करोड़ों रुपया खर्च किया है सर. अगर जब बाहर खाना बनाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? बनाने खाना अच्छा लगेगा तो वो तो हम साफ सफाई करके रखे थे, उसको पहले से ही रख देते साफ सफाई. उसको क्या खाना बना लिए थे, बोले थे वो भाई साहब आए थे उस दिन, मैं बोला था वॉशरूम जाना है तो हाँ जाना है तो इधर है ना. तो अगर विकलांग होगा कोई तो, विकलांग होगा 2 मिनट नहीं लगेगा. विकलांग अगर जाए तो मैं खाली करके मैं खुद साफ सफाई करके दूंगा. दोनों वापस साफ सफाई करोगे आप? हाँ तो करना पड़ेगा, जब कुछ भी अगर जो हो रहा है तो उसका साफ सफाई तो करना ही पड़ता है ना. જી હું કેમેરામેન દેવાંગ ને કહીશ કે જે મુખ્ય જે વિકલાંગ જે વોશરૂમ છે તેના દ્રશ્યો બતાવવાનો પ્રયાસ કરે. આ એ જ જગ્યા છે જ્યાં અહીં જે કર્મચારી છે તે પોતે પોતાનું રસોડું ઊભું કરી દે છે અને દિવસ દરમિયાન પોતે અહીં રસોઈ પણ બનાવે છે. આ જે કર્મચારી છે જેનો સ્પષ્ટ આક્ષેપ છે કે અહીં તો હું રસોઈ જ બનાવું છું, જો કે પ્રેમનગર સહિતના અન્ય જે શૌચાલય છે ત્યાં તો દ્રગ સહિતના તમામ જે કેફી દ્રવ્યો જે છે તે યુવાનો લેતા હોય છે. ક્યાંક ક્યાંક કરોડો રૂપિયાના આલિશાન જે વોશરૂમ છે તે અહીં ઊભા કરવામાં આવ્યા છે જાહેર શૌચાલય. જો કે કર્મચારીએ આ જે કરોડો રૂપિયાનું જે શૌચાલય છે તે શૌચાલયમાં પોતે પોતાના ઘરનું રસોડું ઊભું કરી દીધું છે. કેમેરામેન દિવંગ રાણા સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, સુરત.